हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिजिक्स फैक्ट बाय एफसी फैक्ट के चैनल में। जैसा कि आप सबको अवगत हो चुका है कि उत्तर प्रदेश सरकार या बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का जारी कर दिया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन 3 सितंबर को स्टार्ट होगा और जिसकी आखिरी तिथि, रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तिथि जो है वो आपकी 3 अक्टूबर है, यानी प्रारंभ जो है वो 3 सितंबर और आखिरी डेट जो है वो 3 अक्टूबर, जबकि फीस सबमिट की डेट जो है उसको डेट को बढ़ाकर 8 अक्टूबर तक किया गया है। यानी 3 सितंबर से आप रजिस्ट्रेशन करना प्रारंभ कर देंगे और 3 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और 8 अक्टूबर तक आप फीस भी सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसका एग्जाम डेट कब है, तो महत्वपूर्ण तिथि यही है, एग्जाम डेट कब है। तो एग्जाम डेट जो है आपका 3-8 अक्टूबर के खत्म होने के बाद एग्जाम डेट डायरेक्ट है 18 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का डेट निर्धारित किया गया है यूपी सरकार द्वारा। साथ में अब मैं जिसलिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ वो आपकी चर्चा कराऊं कि कुछ बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा कि किस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाए, कैसे तैयारी करें कि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स या अंक लाने ला सके। और साथ में जैसा कि आप सबको अवगत है कि अब से जो जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षा होंगी उसमें यूपी टेट या किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा का 25% अंक ऐड होगा, तो इसके नाते आपकी जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो काफी महत्वपूर्ण हो गया है। तो मैं यहाँ पे कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर रहा हूँ, आप एक एक बिंदु को समझिएगा और स्पेशली मैं ध्यान यहाँ पे केंद्रित कराना चाहूंगा कि संस्कृत वाले विशेष ध्यान देंगे। जो जो सब्जेक्ट संस्कृत लिए हैं वो बिल्कुल मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं, मैं उनकी संस्कृत तैयारी काफी अच्छी कराने के मूड में हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं संस्कृत का नोट खुद बना रहा हूँ और हो सकता है आपको 10 से 12 दिन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी करना शुरू कर दूंगा। तो आप बिल्कुल जिनका जिनका संस्कृत है वो बिल्कुल आराम से निश्चिंत रहे क्योंकि संस्कृत का एक एक टॉपिक मैं डिस्कस कराऊंगा आपको विद यूट्यूब चैनल एंड सेल्फ नोट्स के, आपको यूट्यूब के माध्यम से या आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मैं डेली का डेली आपको प्रोवाइड करूंगा, उसकी मैं तैयारी ऑलरेडी कर रहा हूँ जो कि 10 से 12 दिन के अंदर मेरी तैयारी फिनिश हो जाएगी, तो मैं वहां से वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। टारगेट जो है, मैं टारगेट काफी है आपको, जितने लोग हमसे जुड़े हैं, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, जिनको जो मेरे द्वारा नोट्स प्राप्त करते हैं, उन सबको मैं बता रहा हूँ कि टारगेट जो 120 प्लस, हमेशा मैंने जब भी आप लोगों की तैयारी कराई 120 प्लस के टारगेट पर रखी है, 120 प्लस कैसे प्राप्त करें, उन सबके लिए मैं विशेष तैयारी कराऊंगा। कितने दिन बचे हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं, कितने दिन बचे हैं, तो आपके टोटल देखा जाए तो लगभग आप काउंट करेंगे तो 96 या 95 डेज है, लेकिन मैं यहाँ पे आपकी तैयारी सिर्फ 80 दिन के अंदर पूरी तैयारी करा दूंगा और आपको जो ये 16 दिन का गैप मिल रहा है इसमें मैं आपको छोड़ दूंगा जिससे आप ज्यादा अच्छी तैयारी खुद से कर सके। अगली पॉइंट, कैसे करें तैयारी, क्या चीज होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो इस पे इसी बिंदु पर चर्चा करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ कि आपके सामने 5 सब्जेक्ट पड़े हैं जिसमें साइकोलॉजी, हिंदी, मैथ और संस्कृत या इंग्लिश और एक सब्जेक्ट आपका जो बच गया है वो पर्यावरण है। तो यहाँ पे मैं लगभग 4 सब्जेक्ट का ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उन सब्जेक्ट का आप नोट्स लेके तैयारी करना शुरू कर दिए। और एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, किस चीज पे हमें डेली मेहनत करना है, तो मैथ पर हमें प्रतिदिन 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन डेली हमें लगाना है हर एक टॉपिक से रिलेटेड करके। पहले एक हम लोग जितना आपको सिलेबस दिया जा रहा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे और लास्ट में जब आपका लगभग 1 महीने के अंदर ये कोर्स फिनिश हो जाएगा तो आप डेली हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन उठा के लगाते रहेंगे जिससे आपका मैथ काफी अच्छा बन सकता है। संस्कृत वाले के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि संस्कृत वाले जो है वो तैयारी करते रहे, 10 से 12 दिन के अंदर जब मेरी तैयारी पूरी हो जाएगी तो मैं आपको वर्णमाला हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गए और उसके बाद संस्कृत जो आपके वो है, यानी जो संस्कृत से रिलेटेड जैसे जो भी अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे गए उन ग्रंथों में कौन से ग्रंथ ज्यादातर आते हैं, किनकी रचित
जो है वो बुक आती है उन सबके बारे में एक नोट्स आपको दे दूंगा और यूट्यूब पे भी आकर आपको बता दूंगा। तो संस्कृत वाले बेफिक्र हैं, उनकी तैयारी मैं खुद कराने वाला हूँ। साथ में मैथ के लिए बताऊं, मैथ में अच्छा मार्क्स करने का सबसे एकमात्र तरीका होता है आप डेली का डेली एक घंटे या दो घंटे का समय निकालकर डेली आप मैथ को डेली का डेली लगाएं। अगर आप डेली मैथ लगाते हैं तो मेरी गारंटी है आपका 25 से कम नहीं आएगा, चाहे जो भी स्टूडेंट रहे। अगर आप डेली आज से अगर आप ये निश्चय कर ले कि मुझे डेली लगाना है मैथ, तो आप अगर 25 नंबर अगर डेली आज से 80 दिन लगाते हैं मैथ, तो आपका 25 नंबर कम नहीं गया। साथ में किस विषय में पहले करें टारगेट, देखिए टारगेट ये जरूरी चीज है, ये मैंने यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक को जोड़ा, किस विषय में पहले करें टारगेट। तो आपका जो जो आसान सब्जेक्ट दिखता है जैसे हिंदी को पहले टारगेट करके इसे कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी का जब टारगेट कंप्लीट कर लेंगे तो उसको बस प्रैक्टिस सेट मारेंगे आपका काम होता रहेगा, हिंदी हो गया। दूसरी चीज साइकोलॉजी, जो आपका क्या है साइकोलॉजी है, इसको भी आप पहले फिनिश करेंगे, हिंदी और साइकोलॉजी को पहले फिनिश करेंगे। साथ में एक सब्जेक्ट को और कमांड में ले सकते हैं, वो आपका जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो आप यहां से ले सकते हैं संस्कृत या जिनका इंग्लिश हो इंग्लिश, यानी बाकी जो दो सब्जेक्ट आपके बच गए एक मैथ और एक पर्यावरण, इन दोनों सब्जेक्ट पे क्या होता है इन दोनों का जो वो है यानी जो मतलब क्राइटेरिया है या एरिया वो काफी बड़ा है, इस वजह से इसको डेली का डेली आपको पर्यावरण और मैथ को पढ़ते रहना है, जिससे आप ज्यादा मार्क्स को गेन कर सकते हैं। सिर्फ मैं यहाँ इसीलिए उपस्थित हुआ था कि आप ज्यादा से ज्यादा कैसे तैयारी करेंगे इसके बारे में और भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ आपको नोटिफिकेशन मैंने बता दिया, और इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में फिर मिलता हूँ तो आपको बताता हूँ। थैंक यू।